और दादा सत्संगी व्यक्ति जो होते हैं ना उन्हें अगर सत्संग में बिठा दो तो फिर तुम समझ लो कि सुबह से शाम हो जाए या शाम से सुबह हो जाए वो उनका मन नहीं होता हटने का। संत कहते हैं कि चार मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर हरिजन 100 हरिजन मिले ऐसे 7 करोड़। चार मिले दो भगवान के भक्त बैठे हो तो दौर दो आगे कितनी हो गई चार मिले 64 खिले 32 और 32 दांत कितने हुए 64। चार मिले 64 खिले 20 रहे करजोर दोनों की हाथों की उंगलियां 20 रहे करजोर हरिजन 100 हरिजन मिले। जब भगवान के भक्त दो बैठते हैं ना और प्रभु की चर्चा चलती है तो 87 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। जब प्रभु की चर्चा चले तो पूरा शरीर खिल उठता है, फिर शरीर का भान नहीं रहता। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजल से कारी। बोलिए गोविंद भगवान की। सत्संग चला, अब धीरे धीरे समय बीता। फागुन के महीने में ओम नाम हरि ओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुधाम। पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली हैं फागुन के महीने में और भगवान की ऐसी कृपा, हर हर गंगा के किनारे दफनाया, देखा तो गंगा में जल नहीं मिला, सोचा घरों में जल होगा वहां भी जल नहीं मिला, तभी से कहा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा। पांचों पांडव मैया द्रौपदी पहुंचे हिमालय पर और वहां से प्रयाग के लिए चले गए। महाराज परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि हम भी तो देखें, कोई जब इंसान के दादा परदादा छोड़ के जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ घर में रख के जाते अपने पुत्रों सुपुत्रों के लिए, हम भी तो देखें कि मेरे दादा क्या रख के गए। तो देखा सब कमरों को खोला है, निगाह पहुंची एक कमरे में जहां एक सोने का मुकुट रखा है, उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। कैसे जा रहे हैं